आज हम बनाएंगे शक्कर और भुने हुए चने से 5 स्टार से भी महंगी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक मिक्सिंग बाउल ले लिया और इसमें अब हमने लिए ये 1 कप चने, जो भुने चने आते हैं प्रसाद में जिनका यूज़ करते हैं वही चने लेना है। तो यहाँ हमने 2 कप चने ले लिए हैं। अगर आप इसको ग्राम में मापें तो ये 250 ग्राम है। इनके छिलके वगैरह हमें कुछ भी नहीं हटाना है और ऐसे ही हमें इनको इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अगर आप छिलके हटाना चाहें तो इनको मसल के हटा सकते हैं, पर हमें यहाँ छिलके हटाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमने मिक्सर जार ले लिया है और इसमें डाल देंगे हम सारे ही चने और इनको अब हमें एकदम फाइन पाउडर बना लेना है, मतलब अच्छे से इनको पीस लेना है। तो देखिए, यहाँ हमने इसको पीस लिया है और जितना पतला हो सकता था हमने ये पीस लिया है और अब इसको हम छान लेते हैं। इसको छानना आवश्यक है क्योंकि इसमें कुछ अगर मोटे दाल के चने के टुकड़े रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे और कुछ मोटे छिलके रह गए होंगे तो वो भी हट जाएंगे, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं 5 स्टार। 5 स्टार को खाना भी आप भूल जाओगे अगर एक बार आपने ये रेसिपी को ट्राई कर लिया तो। तो देखिए, यहाँ इसको छानना है इस तरह से और इसका ये जो ऊपर का बूरा ऐसा निकलता है ना बेस्ट, इसको हम हटा देंगे। और देखिए, इस तरह से हमें ये बेसन तैयार करना है। इधर हमने गैस पे रख दिए कढ़ाई गर्म होने के लिए और इसमें अब हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ हमने 1 कप चीनी डाल दी, उसमें 1/2 कप चीनी और डाल दी, यानी कि ये चीनी 250 ग्राम हो गई है। मतलब जितने चने हमें लेना है उतना ही हमें चीनी लेना है। आप इनको किसी से भी मेज़र कर सकते हैं, कप या कटोरी से। तो देखिए, इसको हमने कैरेमल कर लिया है, मतलब चीनी को कैरेमलाइज कर लिया है। जो कुछ इसमें बड़े टुकड़े बचे हुए हैं तो कोई नहीं, वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे। और यहाँ हम डालेंगे 1/2 कप इसमें फ्रेश मलाई, जो हम दूध गर्म करके रखते हैं जिसमें मलाई बन जाती है ऊपर ऊपर, वही मलाई ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना 1 कप दूध का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 1/2 कप मलाई ली है और इसको अब अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। लगातार चलाते हुए इसको मिक्स करना है और जो इसमें मोटे मोटे शक्कर के टुकड़े बचे हैं ना वो भी कैरेमल हो जाएंगे। और यहाँ अब 1/2 कप से थोड़ा सा कम हम दूध डाल रहे हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप पूरा कप भर के दूध डालें और इसमें 1/2 कप आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमने चलाते हुए लगातार सारे ही टुकड़े मेल्ट होने तक इसको पका लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। जो हमने भुना हुआ चने का बेसन बना के रखा है वही वाला बेसन डालना है। आप मेज़रमेंट याद रखें, ताकि इस रेसिपी में कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही इजीली ये बन जाती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, अगर एक बार बना लिए तो बार बार बनाएंगे इसे। तो देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अभी हमें और भी पकाना है, मतलब इसको अच्छे से गाढ़ा करना है। और ये चिपकने लगता है तो इसको छुड़ाते हुए भी जाना है, नहीं तो इसमें ना एक जली जली सी स्मेल आने लगती। इसको पकाने में आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। तो इसको थोड़ा और पका लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून हम यहाँ घी डालेंगे। वैसे तो घी डालने की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि हमने मलाई का इस्तेमाल करा, उससे ही घी बनता है, पर इसमें ना शाइनिंग आ जाती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं घी को। तो घी को एब्जॉर्ब होने तक हमें इसको पकाना है। और देखिए, इस तरह से ये सोन पापड़ी में जैसे तार चलते हैं ना, उस तरह से हमें आप इसको कर लेना है। तो देखिए, एकदम परफेक्ट इसको पका लिया है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको करेंगे सेट। और यहाँ पर मैंने ये एक मिल्क केक का टिन ले लिया है, मतलब जिसमें मिल्क केक सेट करते हैं ना, वो आप थाली प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हैं। इसको मैंने घी से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है और आप थाली में या प्लेट में घी लगा के भी इसको सेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो पूरे इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से ऊपर से ना एकदम हमें चिकना कर देना है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टेप करेंगे, अगर इसमें थोड़े से बबल्स रह गए हो तो वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसको रख देंगे हम 1/2 घंटे के लिए ठंडा होने तक या फिर। तो देखिए, ये ठंडा हो गया है और अब इसको हम डीमोल्ट करेंगे। तो आप इस तरह से ना, जो बच्चे बहुत ज़्यादा टोपी खाने के शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा टोपीज मांगते हैं, तो उनके लिए आप इसको ज़रूर बनाएं।
और कैसे उनको देना है रेप करके वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसको चलिए हम डीमोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद इसका हम बटर पेपर हटा देते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी दो तीन चीज़ों से मिलके ही बन जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, डाइजेशन के लिए भी चने बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये सभी जानते हैं। तो आप चने से ये रेसिपी बनाकर महीने दो महीने तक एक ही बार में बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो इसको बटर पेपर हटा के अब हम इसको कट करेंगे। तो हम इसको सेम वैसे ही कट करेंगे जैसे कि फाइव स्टार को कट करते हैं। इसका टेक्सचर सेम फाइव स्टार जैसा रहता है, ऐसे ही मतलब जैसा सेम टू सेम रहता है। और इसमें जो मलाई या मिल्क पाउडर डालोगे उसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी इनहेंस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक यहाँ फीस हमने कट कर लिया है और आप इसी तरह से हम सारे फीसेस हमें कट कर लेना है। और देखिए, इसका काटने से आपको पता चल रहा होगा ना कि जैसे एक खींचापन आता है ना फाइव स्टार में, सेम वैसा ही इसमें भी आने वाला है। और आप इसको रेप करके देंगे ना बढ़िया से बच्चों को, तो पहचान ही नहीं पाएंगे मैंने क्या करा। इस तरह के फाइव स्टार के फीस कट करे थे तो काफ़ी बड़े लग रहे थे, तो मैंने इसके भी छोटे छोटे फीस कर लिए हैं, आगे मैं आपको बताऊँगी। और फिर उनको ना मैंने रेप करके दिया बच्चों को, इतना टेस्टी लगा उनको और एकदम ना खुश हो गए इसको खा करके। तो आप एक बार इसको मेरे कहने से प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, बहुत हेल्दी है, बहुत इजी है बनाने में, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसको एंजॉय करें और इस तरह से आप पतले मोटे इसके फीसेस कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट रेसिपी है, नो फेल रेसिपी है, घर पे ही रखा रहता है इतना सामान। तो आप एक बार बनाएं और इस तरह से छोटा छोटा कट करके अपने बच्चों को ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।